Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss the sufficient part of a function to be analytic. इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नेसेसरी कंडीशन को, तो आइए देखते हैं कि सफिशियंट कंडीशन को हम कैसे करेंगे. नेसेसरी कंडीशन में हमने किया था कि एफ जेड अगर एनालिटिक हो तो उसके सारे कंटिन्यूस डेरिवेटिव जो यू और वी होते हैं उनके सारे कंडीशन होल्ड करेगा, एक तरह से पार्शियल डेरिवेटिव सभी एग्जिस्ट करेंगे. हमने पढ़ा था नेसेसरी में कि अगर हमारा फंक्शन यू प्लस आई वी अगर ये एनालिटिक है तो हमारा पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा. यहाँ पे वी है डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल वाई, ये सारे पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ये था हमारा नेसेसरी पार्ट. सफिशियंट कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें ये शो करना है कि एब्जेड एनालिटिक होगा अगर ये कंडीशन होगी. नेसेसरी में हमने किया था कि ये अगर है तो दूसरा पार्ट होगा, यानी ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे और हमारा जो ये इक्वेशंस हैं सारे पार्शियल्स डिफरेंशियन ये सीआर इक्वेशन का पालन करेंगे. यहाँ पे हमें सीआर इक्वेशन पता है, ये गिवन है, पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं तो हमें शो करके दिखाना है कि एफ जेड हमारा एनालिटिक फंक्शन है. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि सफिशियंट कंडीशन हमें क्या दिखाना है. सफिशियंट कंडीशन हमें बताना है कि द फंक्शन डब्ल्यू इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी. तो जो फंक्शन एफ जेड है वो एनालिटिक होगा किसी डोमेन डी में अगर इफ़ यू एंड वी आर डिफरेंशियल, अगर यू और वी डिफरेंशियल हो उसी डोमेन डी में और वो सेटिस्फाई करें सी आर इक्वेशन को. और अगला पॉइंट है कि द फोर पार्शियल डेरिवेटिव्स आर कॉन्टिन्यूस इन डी. कॉन्टिन्यूस होने का मतलब उनकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए. तो चलिए प्रूफ करते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे, लेट पी एट पॉइंट जेड बी ए पॉइंट इन ए डोमेन डी. तो किसी डोमेन डी में हम एक पॉइंट पी लेते हैं, किसी पॉइंट जेड पर पी पॉइंट लेते हैं, और दूसरा लेट अस चूज अनदर पॉइंट क्यू एट पॉइंट जेड प्लस डेल्टा जेड. तो हम पी ले रहे हैं एट जेड पॉइंट और क्यू ले रहे हैं इसी के पड़ोस में जेड प्लस डेल्टा जेड. तो जेड प्लस डेल्टा जेड को हम ऐसे ले सकते हैं एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई प्लस डेल्टा वाई. कहाँ पे, इन नेबरहुड ऑफ जेड. ये थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है लेकिन हम ध्यान से पढ़ दे रहे हैं, जब ध्यान से सुनेंगे तो सारा क्लियर हो जाएगा. तो नेबरहुड ऑफ जेड देन द सेगमेंट पी क्यू, लेंथ बोलें या सेगमेंट बोलें आर्क बोलें, सेगमेंट पी क्यू इज इन डोमेन डी फ्रॉम द मीन वैल्यू थ्योरम इट फॉलोज दैट. तो थ्योरम हमारा ऐसा होता है, मीन वैल्यू थ्योरम, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा है मीन वैल्यू थ्योरम, उसको यूज करके हम यहाँ निकालेंगे एफ जेड प्लस जेड माइनस एफ जेड. अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यही करने की कोशिश में हैं कि जो हमारा डेरिवेटिव्स होता है ये कुछ इस तरह का होता है, एफ डैस जेड इक्वल टू एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड. यहाँ लिमिट होती है, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो. थोड़ा सा हम साफ लिख दें, एफ डैस जेड इक्वल टू लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड. डेरिवेटिव के लिए हमें नहीं लाना है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको कंसिडर कर रहे हैं. ठीक है, बाद में हम डेल्टा जेड को टेंड करा के एफ जेड को लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें एनालिटिक शो करना है और एनालिटिक शो करने के लिए ज़रूरी है कि हम डेरिवेटिव को एग्जिस्ट कराएं. डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट कर गया तो फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा. तो इसके लिए हम निकालेंगे इसको एफ ऑफ जेड प्लस जेड माइनस एफ ऑफ जेड. तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ जेड प्लस जेड को हम लिख सकते हैं इतना यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ जेड प्लस डेल्टा जेड है. तो जैसे एफ जेड होता है हमारा यू एक्स वाई प्लस आई भी एक्स वाई, तो अगर हम यहाँ एफ जेड प्लस डेल्टा जेड लेंगे डेल्टा जेड, तो हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई. इधर भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, तो वही है एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई. और ये सिंपल क्या है, ये हमारा पूरा एफ ऑफ जेड है.
क्लियर। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आई वी, और यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर। तो ये सिंपल सा हमारा एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी है और कुछ नहीं। ठीक, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग कर लिए। ये रियल था और यहाँ पे ये रियल पार्ट था, तो ये रियल और ये रियल इन दोनों को हमने एक साथ लिख लिया यहाँ पे। ठीक, प्लस इमेजिनरी वाला पार्ट आई और वी माइनस ये टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मीन वैल्यू थ्योरम लग जाएगा। तो मीन वैल्यू थ्योरम के हिसाब से हम यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई माइनस यू एक्स वाई को हम इतना लिखते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स इंटू डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई इंटू डेल वाई। तो हमारी कंडीशन में भी सेम चीज़ है, तो वही चीज़ हमने उतार दिया जो वहाँ पे था। सेम उसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ यहाँ है सीधे थ्योरम के हिसाब से हम यहाँ लिख दिए। यहाँ हम लिख सकते हैं यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। तो ये टर्म हो गया। इसके बाद हम इस टर्म को चेंज कर रहे हैं सी आर इक्वेशन को यूज करके, क्योंकि हमें ये गिवन है, ये रहा सी आर इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन क्या है, नेसेसरी पार्ट में देखा था हमने, ये सी आर इक्वेशन है। तो डेल यू बाई डेल वाई को हम क्या लिख सकते हैं, डेल यू बाई डेल वाई इज माइनस डेल वी बाई डेल एक्स, सो माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। और यहाँ पे हमने चेंज किया है डेल वी बाई डेल वाई को, तो डेल वी बाई डेल वाई क्या है, डेल यू बाई डेल एक्स, सो यहाँ पे डेल यू बाई डेल एक्स। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, फिर से रियल और ये टर्म को डेल यू बाई डेल एक्स को, रियल इमेजिनरी नहीं, हम डेल यू बाई डेल एक्स इसको और इसको एक साथ लिखें, डेल यू बाई डेल एक्स को एक साथ लिख रहे हैं यहाँ पे। तो हमें मिलेगा क्या, डेल्टा एक्स प्लस आई और डेल्टा वाई प्लस आई डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स को हम यहाँ से कॉमन कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा एक्स प्लस आई हमने लिया है क्योंकि यहाँ माइनस है और एक आई बाहर है, तो आई आई इंटू हो के माइनस हो जाएगा, दिस इज आई स्क्वायर, सो ये माइनस साइन आ जाएगा। तो हम यहाँ आई ले लिए पहले से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, प्लस। अब यहाँ से देखें तो ऐसा इसलिए हमने लिया कि ये पूरा क्या है, डेल्टा जेड है, ये भी एक तरह से डेल्टा जेड है ना। अगर जेड हमारा एक्स प्लस आई वाई है तो डेल्टा जेड क्या होगा, डेल्टा एक्स प्लस आई आई डेल्टा वाई। तो इस पूरे टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा जेड। देखिए ये जो टर्म है वो एज इट इज़ यहाँ पे है, और डेल्टा जेड को हमने यहाँ से डिवाइड कर लिया इस टर्म में, इस टर्म को हम डिवाइड कर दिए इस डेल्टा जेड से। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेल्टा जेड है, ठीक है। डेल्टा जेड तो ये डेरिवेटिव वाला टर्म है, जैसे यहाँ पे हमने बताया था, ये सारी चीज़ें मिल गई हैं, सिर्फ हमें क्या करना है, लिमिट दिखा देना है, जेड डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो। तो इफ़ वी लेट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो, तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ जेड प्लस जेड माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड इक्वल टू, ये वही वैल्यू रहेगी, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्या डिनोट कर रहा है, ये चीज़ ये शो कर रहा है कि एफ डैश जेड है। ठीक है, हमें ये पता है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, इसकी कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जिस्ट कर रहा है, एफ डैश जेड हमारा एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि हमें गिवन है यू और वी डिफरेंशियल है इन डी एंड सेटिस्फाई सी आर इक्वेशन, और जो फोर्स पार्शियल डेरिवेटिव है वो कॉन्टिन्यूस है इन डी। तो अगर ऐसा है तो इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर इन दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब एफ डैश जेड एग्जिस्ट करेगा, और एफ डैश जेड एग्जिस्ट करने का मतलब ये है कि ये एनालिटिक हो गया। तो यही हमें शो करना था यहाँ पे कि जो एफ जेड है हमारा, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आई वी इज एनालिटिक इन ए डोमेन डी। तो दिस प्रूव द
थ्योरम। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि यहाँ के बाद चाहे तो हम कुछ लाइन यहाँ जोड़ सकते थे, यहाँ से हम कुछ ऐड कर सकते हैं पहले इस लाइन के बाद, दिस शोज दैट, दिस शोज दैट, नहीं पहले हम ऐसे लिखेंगे, सिंस डेल यू बाई डेल एक्स एंड डेल वी बाई डेल एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस या आर कॉन्टिन्यूस एंड इट्स वैल्यू इज एग्जिस्ट, सो दिस वैल्यू इज एग्जिस्ट, देयरफॉर यह हम इसको बोल देंगे लिमिट ऑफ डेल्टा जेड टेंडिंग टू ज़ीरो, ये पूरा फंक्शन माइनस एफ ऑफ जेड अपॉन डेल्टा जेड। तो चूंकि ये दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसलिए इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करने का मतलब ये है देयरफॉर एफ डैश जेड एग्जिस्ट एंड दिस प्रूव्स द सफिशियंट पार्ट ऑफ ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो ये प्रूव करता है कि जो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक है, ठीक है। तो ये था सफिशियंट पार्ट, आई होप कि दिस वीडियो इज़ वेरी क्लियर। अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप बता दीजिएगा, फिर से हम उसको बता सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।